गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास में चैप्टर हमारा नाइन्थ फोर्स लाइन मोशन लास्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। हमने फोर्स पढ़ लिया, लॉ फर्स्ट लॉ न्यूटन पढ़ लिया, सेकंड लॉ न्यूटन पढ़ लिया, थर्ड लॉ भी पढ़ लिया। अब लास्ट टॉपिक इसका रहता है इनर्शिया, भी हमने पढ़ लिया था कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम। क्या होता है कि अगर दो बॉडी है ना, दो बॉडी आपस में अगर फोर्स लगा ली है तो वो रिमेन कॉन्स्टेंट ही रहती है, यानी कि कॉन्स्टेंट पोजिशन में रहेगी वो। तो क्या लिखेंगे इसमें कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम में, क्या लिखेंगे? एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ऑफ ए सिस्टम इज जीरो। अगर वो ऑफ ए सिस्टम इज जीरो, देन The linear momentum is remain constant। तो वो constant रहता है external force on the system, on a system। अगर एक system के ऊपर वो external force apply किया गया है तो अब बताता हूं मैं, मान लो लेट करते हैं हम, यहां पर हमें लेट करते हैं, लेट टू बॉडीज ए एंड बी देयर मासेस m1 एंड m2 एंड velocity of this u1 and u2 after collision the velocity is क्या हो जाएगी v1 and v2। ठीक है बेटा, आफ्टर कोलिजन दोनों की वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। कोलिजन से पहले देखो, मान लिया ये ऑब्जेक्ट है, ए बॉडी है, इसका मास है m1 और इसकी वेलोसिटी है u, और ये ए ऑब्जेक्ट है, ये बी ऑब्जेक्ट है, इसका मास है m2 और इसकी वेलोसिटी है u, ये u1 है, ये u2 है। अब ये क्या हुआ, आपस में टकरा गई, ये देखो ये आपस में टकरा गई, ये a ये b, अब कोलिजन यहां पर हो गया, तो ये ऑब्जेक्ट कहां गया, ये हो सकता है ये ऐसी पोजीशन हो जाए a और b आफ्टर कोलिजन, पहले कोलिजन से पहले ये है, बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन के बाद ये हो जाएगा। इसका मास क्या है m1, इसका मास क्या है m2, इसकी वेलोसिटी v1 और इसकी वेलोसिटी v2, तो दोनों की वेलोसिटी चेंज हो रही है ना। अब मैं अकॉर्डिंग टू फोर्स अगर देखूं तो F इक्वल टू हमारे पास AB के अकॉर्डिंग दे रहा हूं, A के अकॉर्डिंग FA के अकॉर्डिंग अगर मैं देख रहा हूं तो मेरे को क्या मिलता है, चेंज इन मोमेंटम, यानी कि चेंज इन मोमेंटम बाई टाइम। तो अब FAB में भी यही होगा, सेम प्रोसीजर, चेंज इन मोमेंटम T। तो यहां पर भी हमारे पास वही चीज देखने को मिलेगी हमें। अगर हम देखते हैं तो मैंने देखा कि F इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम M, जो हमारे पास चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, यानी कि V माइनस U, अब V1 माइनस U1 बाई T, ठीक है, M1 में देखा, अब M2 में देख रहे हैं F इक्वल टू M2 V2 माइनस U2। अब देखो बाय टी, अब यहां से हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, अब इक्वेशन नंबर 2, अब यहां से क्या हुआ कि हमने देखा कि भाई हम जो हमारे पास न्यूटन थर्ड लॉ था वो क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, यानी कि थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता था, F A B, F
ए बी बराबर है माइनस एफ ए बी एफ बी ए, तो ये हो गया हमारे पास। अब यहां पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं, ए की वैल्यू क्या है, एम वी वी वन माइनस एम वन वी वन माइनस यू यू वन बाई टी, और यहां पर हम माइनस एम टू वी टू माइनस यू टू बाई टी, और टी से टी कैंसिल हो गया हमारे पास। अब देखिए क्या आ गया, यहां पर आ गया एम वन वी वन माइनस एम वन यू वन, और यहां पर क्या आ गया माइनस एम टू वी टू, और यहां पर क्या हो गया प्लस एम यू एम टू यू टू। अब यहां से देखो, अब यू यू को एक तरफ कर लो, वी वी को एक तरफ कर लो, तो वी यहां है वी, इसको इस साइड ले आओ, एम वन वी वन ये माइनस का है, यहां आ गया तो क्या हो गया एम, ये है माइनस का है, इस साइड गया तो क्या हो गया बेटा प्लस का हो गया, तो क्या हो जाएगा एम टू और वी टू इक्वल टू, उस साइड इक्वल का निशान है, अब मैं इसको कहां लेके जा रहा हूं उस साइड, तो ये प्लस का हो गया एम एम टू यू टू सॉरी एम वन यू वन एम वन और यू वन प्लस, यहां पर प्लस, यहां पर प्लस आई एम टू और यू टू। अब देखो यहां पर वी वन ये क्या था फाइनल मोमेंटम और ये क्या था इनिशियल मोमेंटम, ये वी वी क्या है, अब इक्वल क्या हो गया हमारे पास फाइनल मोमेंटम, मोमेंटम इक्वल टू इनिशियल इनिशियल मोमेंटम, तो दोनों क्या हो गए बेटा बराबर होते हैं। तो पता लग गया ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, कि इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम इक्वल होते हैं। क्लियर हो गया, ये था हमारे पास लास्ट टॉपिक, नेक्स्ट हम इसके न्यूमेरिकल हम वो करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है बेटा, हैव अ नाइस टाइम, अच्छे बनो, कॉम को साथ के साथ करो, अगर नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हो आप मेरे से, क्लियर है।